ये हाई बनाया, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। मार्किट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब मार्किट दोबारा इसको टेस्ट कर सकती है, नीचे आए और इस जोन में जो कि 2032 का और 2027 का है, मार्किट इसको टेस्ट करे और ऊपर निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुश आमदेद। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है day 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर कल का रिव्यू ले लें, मार्किट की पोजीशन वाजे हो जाएगी। ट्रेडर्स, कल मार्किट का हाई था 2047 और लो था मार्किट का 2021, तो मार्किट ने जो क्लोजिंग दी है प्रीवियस क्लोजिंग से $13 मार्किट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि मार्किट का हाई बुलिश मोमेंटम जाहिर कर रही है। तो ट्रेडर्स, अगर आज की मार्किट की सपोर्ट देखी जाए 2016 है और मार्किट की रेजिस्टेंस है 2075। तो आज मार्किट का ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड मार्किट का बुलिश है, वीकली, डेली और मंथली। तो ट्रेडर्स, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्किट फॉलो कर रही है, ये एक एरो शो रहा है कि मार्किट टच कर सकती है और टच करने के बाद इसको रिस्पेक्ट दे के फिर मार्किट नीचे गिर सकती है। एक तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है और दूसरी मार्किट की ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली एक मार्किट यहाँ से और दूसरा, फिर मार्किट ने जब लो बनाया तो ये रिस्पेक्ट दी है, दोबारा मार्किट आज या कल या फिर दोबारा कभी भी इस एरिया को रिस्पेक्ट दे सकती है। तो ट्रेडर्स, अगर मार्किट की आज का बाय जोन देखा जाए तो बाय जोन मार्किट का 2033 से शुरू होता है और 2027 तक है, ठीक है। इस जोन में आए तो मार्किट रिवर्सल बनाए, बुलिश हो सकती है और ये जिस जोन में मार्किट खड़ी है ये फिलहाल हमारा सारा सेल जोन है, छोटे टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाएगा। और जो ही मार्किट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, नेक्स्ट मार्किट इसको टेस्ट करेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। तो ये शॉर्ट सा सिनारियो आपके सामने है, मजीद इसको देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम। जी ट्रेडर, ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्किट की पोजीशन को देखें तो ये मार्किट का बाय जोन है, मार्किट इसको रिस्पेक्ट दे और यहीं से ऊपर हो जाए या फिर मार्किट नेक्स्ट जो है बाय जोन उसमें आए और ये लिक्विडिटी 2016 की ग्रैब करे, ऊपर निकल जाए। लेकिन ज़्यादा चांसेस मार्किट के इधर के हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि मार्किट दिसंबर जनवरी में बुलिश होती है। अगर तो मार्किट ने 2053 के ऊपर क्लोजिंग दे दी H4 की, देन मार्किट बुलिश हो जाएगी, इसको टेस्ट करेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी, फिर हमारा लेवल ये बुलिश बन जाएगा। अब फिलहाल मार्किट जिस जोन में जा रही है ये रेड जोन, ये मार्किट का बेरिश जोन है, सेल जोन है। जी ट्रेडर, ये H1 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्किट की पोजीशन को देखें, ये मार्किट का बाय जोन है 2032 से लेकर 2027 तक, मार्किट इसमें आए, रिजेक्शन ले, देन मार्किट बुलिश हो जाए। जी ट्रेडर, ये M15 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्किट की पोजीशन को देखें तो मार्किट ने ये हाई बनाया, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, मार्किट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब मार्किट दोबारा इसको टेस्ट कर सकती है, नीचे आए और इस जोन में जो कि 2032 का और 2027 का है, मार्किट इसको टेस्ट करे और ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो मार्किट जिस जोन से वापस हुई है, हमने देखा है H4 में ये हमारा सेल जोन है, लेकिन मार्किट ने 1, 2, 3 कन्फर्म नहीं किया। जब तक मार्किट इसके नीचे 2036 के नीचे, ये रेड लाइन जो है 2036 के नीचे मार्किट क्लोजिंग नहीं करती, हम मार्किट को सेल नहीं देख सकते, ठीक है। जब मार्किट इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, मार्किट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और दोबारा फिर हम देखेंगे इसका सेल जोन। अब हम देख रहे हैं मार्किट का बाय जोन, फिर हम देखेंगे सेल जोन। तो सेल जोन मार्किट का होगा ये वाला, ये मार्किट का फिर सेल जोन होगा 2042 से 43 का जोन,
यानी जस्ट ये बनता है 1 डॉलर का जोन, ठीक है। तो फिर ये मार्केट का सेल जोन हो जाएगा, फिर हम मार्केट को यहीं से सेल देख सकेंगे। तो ट्रेडर, ये था आज का सिनारियो, आप इसका ख्याल रख के आज की ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट हो सकता है स्लो हो, क्योंकि अभी बैंक्स को छुट्टियां हो रही हैं, तो बैंक क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट वीक होता है दिसंबर का, उसमें अमूमी तौर पर मार्केट स्लो ही होती है। दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।